जिले के हटा थाना अंतर्गत एक कलियुगी पुत्र के द्वारा अपनी मां की हत्या कर दिए जाने का मामला सामने आया था, जिस मामले पर पुलिस ने तत्काल संज्ञान में लेते हुए मामले की जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस अधीक्षक डीआर तेनिवार ने यहां पर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की, मामले को समझा, उनसे बातचीत की, साथ ही उन्हें सांत्वना भी दी। कब पहुंचे पुलिस अधीक्षक डीआर तेनिवार और क्या कुछ कहा उनके परिजनों से, आपको सुनाते हैं। इतने छोटे छोटे बच्चों का बेचारा लाइफ क्या होगी, ठीक है, आप समझ गए ना। देखो उसको आपके पति ने गलत किया है, सजा उसको मिलना चाहिए, वो अलग मैटर है, लेकिन इन बच्चों का क्या कसूर है, ठीक है। तो हम कलेक्टर साहब से बात करके मैं परसों जाऊंगा। जमीन की इकलौता लड़का था, 4 एकड़ जमीन ठेके में, 3 एकड़ ना, 3 एकड़ मतलब ठेके पे भी बहुत महंगी आती थी, 10-20 हजार मतलब। थाना क्षेत्र के अंतर्गत चंडी वार्ड में खरग्राम का एक परिवार रहता है और 23 तारीख को खरग्राम जो है हरिवार शराब पी करके आया और अपनी माँ के साथ उसने मारपीट की और मारपीट करके तो चला गया। रात में ही उसकी डेथ हुई है और खरग्राम की पत्नी के द्वारा बताया गया कि मेरे पति ने ही जो है अपनी मेरी सास को मतलब मारपीट करके शराब पी करके मारपीट की, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई है। तो इसमें पीएम रिपोर्ट के आधार पर थाना हटा में धारा 302 IPC का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और साक्ष्य के आधार पर खरग्राम की गिरफ्तारी की गई। सर अभी इस मैंने स्थल निरीक्षण किया है और ये घटना वास्तव में दुखद है। ये खरग्राम आरोपी भी है लेकिन परिवार का मुखिया भी है, उसके 5 बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। इस संबंध में मेरा कलेक्टर साहब से निवेदन भी करेंगे, जो भी शासन की योजना है उस योजना के तहत इसको आर्थिक लाभ जो है या सहायता है वो प्रदान की जाएगी। सर मौत का कारण क्या है, किस मौत का कारण? वो शराब पीता था और शराब पी करके आए दिन पत्नी को और बच्चे माँ के साथ मारपीट करता था। अब वो शराब पी के क्यों मारपीट करता, क्या चूँकि 70 साल की बुजुर्ग माँ है, अब और कोई कारण तो विद्यमान नहीं है, लेकिन निसंदेह वो शराब पी करके जो है उत्तेजित होकर के मारपीट करता था।